हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इधर बीच तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब चल रहा। देखिए, मैं गार्डन में नहीं आ पा रही थी। देखिए कैसे पूरा बंदर ने तहस नहस कर दिया, पूरा गार्डन मेरा तहस नहस कर दिया। दिख रहा है, पूरा सारा पेड़ तोड़ के फेंक दिया है, गिरा दिया है। और इधर भी आइए दिखाते हैं, आए बच्चे आए हैं पानी डालने। ये देखिए, सारे पेड़ को नोच नोच के फेंक दिया है, चंपा को भी तोड़ दिया है। देखिए, सारे पॉट पलट दिया है और सब के पत्ते तोड़ नोच दिए हैं। देखिए, ये तो बंदर लोग उत्पात मचाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने अभी देखा मेरे अपर टेरेस पे बंदरों ने कितना उत्पात मचाया है, कितना मेरे प्लांट्स को तोड़ डाला, मेरे सारे प्लांट्स को, बहुत ढेर सारे प्लांट्स को मेरे तोड़ डाला है। अभी तो मैं अपने नीचे वाले टेरेस पे आ गई हूँ। जो प्लांट्स मेरा तोड़ा था उसकी भी मैं उससे भी रिपोर्ट की हूँ। देखिए, चंपा का मेरा ऊपर से ही पूरा तोड़ डाला है। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे छोटे से पॉट में लगा दी हूँ, जब इसमें ग्रो हो जाएगा उसके बाद मैं इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। फ्रेंड्स, बहुत बुरा लगता है बंदर जो बर्बाद करते हैं। अरे भाई, जो खाना है खा लो ना, उसके बाद देखिए। और मेरे सारे सीड जो है फ्रेंड्स ग्रो हो चुके हैं, जो जो मैंने विंटर का सीड डाला था करीब करीब सब ग्रो हो चुके हैं। अब मैं, तबीयत मेरी ठीक हो जाती है तो मैं सारे सीड को, और बड़े हो जाए थोड़ा तो मैं इसे जो है दूसरे पॉट में रिपोर्ट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये आम का भी तोड़ दिया था, अमरुद का भी तोड़ दिया था, हिबिस्कस का भी तोड़ दिया। सबको ले आके मैं क्या की हूँ कि सबकी कटिंग बना दिया था, वो सबकी कटिंग मैं लगा दी हूँ। वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मेरा गार्डन है। इस समय तो मैं ज़्यादा देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ अपने गार्डन का। तो फ्रेंड्स, जो है सो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। और देखिए फ्रेंड्स, कितने ढेर सारे फूल आ रहे हैं मेरे बालसम में, फूल से ही भरे हुए हैं पूरा प्लांट्स। और ये देखिए, अब तो ये डोरमेंसी में जा रहा है पोटुल का जो है। अब ये सब सूख रहे हैं, अब इस सबको क्या करेंगे, एक पॉट में एक जगह रख देंगे, बाकी नोच के फेंक देंगे, क्या करेंगे ढेर सारा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मुर्गा फूल में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है। और देखिए मेरे रोज में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब इसको, और देखिए हमारे जितने भी हैं इंडोर प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं इस समय। बस इंडोर प्लांट्स को जो है थोड़ा सा गर्मी में दिक्कत होता है, इसे थोड़ा धूप से बचा के रखना होता है। बाकी तो इस समय इस सीज़न में तो बहुत अच्छा चलता है, घास बहुत जम जाते हैं और केयर करना बहुत पड़ता है प्लांट्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसमें चंपा, नाग चंपा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हिबिस्कस में भी ढेर सारे फूल आते हैं, डेली के डेली सुबह में बहुत ढेर सारे फूल खिले रहते हैं। और ये पता नहीं क्या जम गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये सारे कली बंदर नोच के खा गया क्या, नहीं है तो लटक गया है, खिलने वाला है शायद। इसके कली बहुत लेट से खिलते हैं, गार्डेनिया का है। और देखिए हमारे फर्स्ट लैब में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये सामने है। और ये रोज में भी अच्छी, ये हिबिस्कस में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके पत्ते कुछ पीले हो रहे हैं, इसको तो डिजीज हुए हैं, इसमें कुछ दवाई डालना पड़ेगा मुझे, आयरन फर्टिलाइज़र मुझे डालना होगा। तो देखिए इसके पत्ते ग्रीन है ना, ये हिबिस्कस के, इसको येलो हो गए हैं।
इसको डिजीज हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स अच्छे चल रहे हैं हमारे फ्लावर, और बाकी सब भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो अब मेरा देखिए अपर टेरेस है, अभी तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस पानी भर पड़ जा रहा है आजकल, तो ऊपर कुछ नहीं काम हो पा रहा है। और नीचे यहाँ ढेर सारे सीड्स वगैरह ग्रो करके रखी हैं, और इधर थोड़ा बालसम है, और इसमें देखिए रोज की कटिंग मैं लगा के रखी हूँ छोटे छोटे से। उस दिन वीडियो बनाई थी, कटिंग प्रूनिंग की थी रोज का, तो लग भी गया है देखिए, छोटे छोटे से कटिंग निकला था उसमें से, और देखिए लग भी गया है, कुछ लग गए हैं कुछ मुरझा गए हैं। और ये भी देखिए मेरा बंदर जो तोड़ा था ये भी लग गया है, और देखिए इसमें कुछ बढ़िया ये चल रहा है, क्या कहते हैं इसको, डेसीना। और देखिए मेरे ये रेफेंचिया, और ये जो कहते हैं इसको क्रोटन, क्रोटन भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए इंडोर प्लांट्स में भी फूल आते हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फूल आते हैं, शो वाले ये पत्ते वाले हैं, लेकिन इसमें भी फ्लावर्स है। और सारे क्रोटन्स सभी तो बढ़िया चल रहे हैं, स्नैक प्लांट वगैरह भी, इधर भी कुछ क्रोटन है। और ये देखिए सिंगोनियम है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और इधर देखिए मेरा कितना बढ़िया ये चल रहा है पर्पल हार्ट टर्टल वाइन लटक गया है लेकिन। और ये देखिए रियो का, और उधर है क्या कहते हैं स्पाइडर, इसमें देखिए इतना छोटा सा पॉट में ये इतना बड़ा सा प्लांट मुर्गा फूल का, मज़ा आ गया देख के। और सभी प्लांट्स ये सब भी अच्छे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो ज़रूर बेल आइकन बटन प्रेस करें, ज्वाइन करें मेरे चैनल को। तो फ्रेंड मिलती हूँ मैं अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।